आपकी जो है, ये जो क्लास है आपकी रात को 9:15 पे चल रही है, पीईटी का मॉडल पेपर यहाँ पर चलता है और यहाँ पर सभी टॉपिक के प्रश्नों को इस वीडियो में लाया जाता है। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, ऑडियो क्लियर पहुंच पा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास हैं, ये किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। देखिए तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। अगर हम आपसे कहें तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये कहाँ पे गांव पड़ता है, राजापुर गांव। राजापुर गांव है कहाँ, राजापुर गांव कहाँ पर है, ये आपका बांदा में पड़ता है, याद रखिएगा बांदा में है, ये भी आपको याद रखना है, बांदा में आपका ये पड़ता है। चलिए बांदा में आपका पड़ता है, याद रखिएगा राजापुर गांव, ठीक है ना, राजापुर गांव कहाँ पड़ता है, बांदा में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। चलिए सेकंड नंबर आपको बताना है, रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था, तो ये किया था आपका बदायूनी, बदायूनी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बदायूनी ने किया था। अबुल फजल किसने लिखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, तीन नंबर बताइए, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, अकबरनामा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था, निम्नलिखित में से किसको भेजा था आपको बताना है। तो ये भेजा था आपका विलियम हॉकिंस को भेजा था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगर आप नेक्स्ट प्रश्न बताइए, शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी। देखिए शेरशाह ने करीब, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हाँ जीटी रोड कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही है, और इसकी देखभाल जो है यहाँ पर बताइए किसके साथ जोड़ती है, पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका यहाँ पर बंगाल, आंसर क्या होगा बंगाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, छः नंबर में आपको जवाब देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनक है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ए होम बिल्कुल सही जवाब है। ये कांग्रेस की जो स्थापना है आपकी 1885 में होती है, इसकी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके डब्ल्यू सी बनर्जी यानी ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे आपके, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ना, ये ए होम के संस्थापक थे, है ना, बिल्कुल स्थापना इन्होंने किया था, अंग्रेज अधिकारी थे एलन आर्क्रियन होम, इनको शॉर्टकट में ए होम कहते हैं। और लॉर्ड डफरिन उस समय वायस राय थे जिनके समय ये कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी की गई थी। तो कौन से वायसराय के समय किया गया था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना, इससे कई प्रश्न आपके बन जाते हैं। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर धोंदू पंत है ना, यहाँ पर देख लीजिए जवाब सभी का रहा है, सात नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, धोंदू पंत था, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब किसने स्वीकार किया था कि 1857 को जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये स्वीकारा था आपका डिजरेली, आंसर यहाँ पर क्या होगा, डिजरेली विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ, आठ नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। 9 नंबर का बताइए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बिल्कुल सही जवाब है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आसान प्रश्न है बताइए, आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया है और यहाँ पर बताया जा रहा स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है, 1823 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था इनका जन्म है। दयानंद सरस्वती के जन्म अगर बात करते हैं, दयानंद सरस्वती के जन्म की बात करते हैं, 1823 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, याद रखिए। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, कई बार पूछ लिया जाता है इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम याद रखिएगा मूल शंकर था, बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था।
और आर्य समाज की स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 को, ये कहाँ पर 10 अप्रैल 1875 को स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये भी आपको याद रखना है, बम्बई में हुई थी, बम्बई, अब इसका नाम मुंबई हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायरे, जायरे का पुराना नाम क्या था? देखिए 11 नंबर में आपको बताना है, जायरे कांगो का प्राचीन नाम था, किसका था? कांगो, आंसर जाएगा सी के साथ। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए एशिया की पूछा गया है, और जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है वो आपकी क्या है, विश्व की तीसरे नंबर की, विश्व की तीसरी बड़ी है लेकिन एशिया की सबसे बड़ी है, और उस नदी का नाम है यांगसी नदी, जो कि आपकी चाइना में बहती है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? हाँ देखिए टैंक यहाँ पर बताइए, टैंक सिंचाई का परंपरागत यहाँ पर बता रहे तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 14 नंबर, ये बुलर झील है आपका, कौन सी है? बुलर झील। और बुलर झील को भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी कहते हैं। सबसे बड़ी अगर हम कहें ताजे पानी की झील कौन सी है तो आप क्या कहेंगे? बुलर, बुलर झील होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताइए। हाँ देखिए यहाँ पर टिहरी बांध बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस नियम में ये कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है, ये बताइए किसने कहा था? ये कहा था आपका, ये एंजिल का नियम है। किसका नियम है? एंजिल के नियम के अनुसार लगातार स्वाद व वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे माप बढ़ती है भोज्य पदार्थों खर्च आय का अनुपात भी कम हो जाता है, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे मान्य विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर होगा पेंशन। देखिए बाकी सब है लेकिन आपका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो आपका है शामिल नहीं किया जाता है। आर्थिक विकास जो है आमतौर पर के साथ युग्मित है? देखिए आर्थिक जो विकास है आपका आमतौर पर किसके साथ युग्मित है? 18 नंबर बताइए, तो 18 नंबर का आंसर आपका होगा मुद्रा स्फीति। 18 नंबर क्या होगा? मुद्रा स्फीति यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर है, नए दो पहिया वाहन के लिए बाजार पर विचार करें, यदि स्टील की कीमतें बढ़ती हैं तो नए दो पहिया वाहनों की संतुलन कीमतें होंगी और संतुलन मात्रा में होंगी, 20 नंबर का आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए नए दो पहिया वाहन के लिए बाजार पर विचार करें, यदि स्टील कीमतें बढ़ेंगी तो दो पहिया वाहनों की संतुलन कीमत में भी बढ़त होगी आपकी, ये भी आपको बता, संतुलन मात्रा में घटत घटती घटत भी होगी। किसी भी बाजार में संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर मांग की गई मात्रा बराबर होती है, यानी आंसर जाएगा बढ़त और घटत, आंसर क्या होगा? बढ़त। देखिए वाहनों की संतुलन कीमतें बढ़त और संतुलन मात्रा में घटत होगी, आंसर सी नंबर आपका सही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, देखिए लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष, वोट अगर डालना है तो 18 वर्ष, सब उम्र याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष, राज्यपाल या राष्ट्रपति बनेंगे तो 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा? 25 वर्ष वाला आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन विधायकी सत्र का सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की हैं। भारत में नए राज्य गठन होता है विशेष बहुमत से होता है, सरल बहुमत से होता है, 23 नंबर की बात करेंगे ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, सरल बहुमत से होता है नए राज्य गठन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में वैसे भी राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है। अगर हम आपसे कहें लोकसभा कितनी है तो आप कहेंगे लोकसभा की तो 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा हैं आपकी लोकसभा में। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 25 नंबर बताइए। देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है, जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं,
आंसर आपके यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और इसमें वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर वैज्ञानिकों वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है, 26 का बताइए। और यहाँ पर बता रहे हैं आईसो बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए आईसो शब्द का उपयोग आपका किया जाता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है बताइए। देखिए बिजली के बल्ब के अंदर जो होती है ना उसमें भरी होती है आपकी आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। आर्गन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो बिजली का जो बल्ब होता है ना उसका जो आप देखे होंगे एक पतला तार बीच में लगा रहता है, तो बल्ब का आप तो सेफल वगैरह चल रहे हैं, तो जो बिजली के बल्ब आपके होते थे उसमें टंगस्टन लगा होता था। टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता था, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर गैस की बात करेंगे आर्गन गैस वगैरह आपकी भरी रहती थी। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पूछा गया गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। देखिए गैसों के ताप से रिलेटेड है प्रश्न आपका ये। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर देखिए, स्थिर दाब पर विशिष्ट होना सीपी होती है, स्थिर दाब पर सीपी होती है और स्थिर आयतन पर सीवी होती है। अब इसमें अगर हम फार्मूले की बात करेंगे, सीपी माइनस सीवी अपान क्या होता है? आर अपान जे। आर अपान जे यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन आपको याद रखना है, मूल रोम है ना, मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? मूल रोम जो कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपके अंतस्थ चर्म से निकलते हैं, है ना। यहाँ पर आपका अंतस्थ चर्म से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रतौंधी किसकी कमी की वजह से होता है? ठीक है, रतौंधी की अगर हम बात करेंगे, ये विटामिन ए की कमी से होता है ना। विटामिन ए कहाँ लिखा हुआ है? और इसकी कमी से दिखाई नहीं देता रात में, रतौंधी कहते हो गया है। 30 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर कैसा वाक्य होगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बताइए क्या होगा? विधान विधान वाक्य बिल्कुल सही है। देखिए विधान वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में किसी मुख्य बात के होने का अगर पता चलता है तो उसे को हम विधान वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा ना बच्चे खेल रहे हैं, ये कैसा है आपका? विधान वाक्य के अंतर्गत आपका जाएगा। 37 नंबर बताइए, लिखा हुआ है तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध वंश को पहचानिए। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर तुमको मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है ना ये आपका तुमको नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तुम्हें मुझे पढ़ाना है ना, तुम्हें जो है मुझे पढ़ाना है, ये वाला अगर होता तो आपका सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, मुझे बाहर जाना है, विराम चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, 38 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर आपका पूर्ण विराम होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अधो रेखा चिन्ह कहते हैं, अधो रेखा चिन्ह कहते हैं, है ना। नीचे लाइन नहीं खींचते ऐसे, अधो रेखा चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, है ना। देखिए क्लियर नहीं चल रहा है क्या, कमेंट करके जरूर बता दीजिए जिसे भी दिक्कत हो रही है, बाकी यहाँ सही चल रहा है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का क्या मतलब होता है? मतलब होता है भ्रम को दूर करना, भ्रम को दूर करना यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ से देखिए प्रश्न हमारे करेंट अफेयर्स की स्टार्ट है। पूछा गया केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना, ध्यान दीजिएगा, पीएम कुसुम योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? चलिए बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। इक्यावन नंबर का बताया जा रहा है 1996 करोड़, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। 52 नंबर बताइए, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया साथियों बताइए? ये कर दिया गया आपका 30 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 30 लाख आपका कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत में मुद्रा स्फीति कितनी दर्ज की गई है? ये की गई है आपकी 53 नंबर बताइए क्या होगा?
देखिए 6% से ज़्यादा है ना, तो 6 पॉइंट कितना है, 8% है, याद रखिएगा 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनवरी 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? 54 नंबर का बताइए क्या होगा। तो 54 नंबर का आपका जवाब होगा पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनवरी 2023 में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा 54 का आपका जवाब बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष के लिए इनको चुना गया है, पंकज कुमार सिंह। अब पंकज कुमार सिंह जो BSF आपका होता है ना, बॉर्डर सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, उस पर वो सेवानिवृत्त महानिदेशक है ना थे आपके, तो इनको यहाँ 2 वर्षों के लिए चुना गया, ये सेवानिवृत्त हैं आपके। अगला प्रश्न बताइए, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन पदक से सम्मानित किया गया? हाँ नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। 55 नंबर बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग जो लोग बाद में आ रहे हैं। 55 का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा 47 है ना। 74वें 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमक अग्निशमक सेवा सेवा पदक से आपका सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जनवरी 2023 में मलबे से 12वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली? तो ये आपका आंसर होगा कालिंजर दुर्ग यानी बादाम में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, 57 नंबर, 57 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्र स्तरीय बैठक 11 जनवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई? कहां पर की गई बताइए, 57 नंबर। हाँ 57 का वाशिंगटन DC, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है? चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 58 नंबर का जवाब क्या होगा। अच्छा क्लास की दिक्कत आ रही, क्लास तो यहाँ तो सही चल रहा है, हो सकता है वहीं आपका दिक्कत होगा, बट नेट वेट तो यहाँ सही चल रहा है ना, नेट तो यहाँ पर सही है। आप ही एक बार अपने फ़ोन को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बट यहाँ तो सही चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जनवरी 2023 में अपनी डिजिटल सेवाओं में परिवर्तन के अगले चरण हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है? 59 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक याद रखिएगा है ना, ये दुनिया के 7वें नंबर पे सबसे बड़ा बैंक है आपका, अभी करंट में बताया था इसके पहले वाली क्लास में। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को शामिल किया गया है? हाँ ना, कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को शामिल किया गया है? 60 नंबर बताइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा INS वागीर। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संस्तुतियां की थी है ना, यहाँ पर बताइए 61 नंबर क्या होगा। ये किया था आपका सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध, ये भी प्रश्न कई बार आपका पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं? भागवत धर्म से संबंधित आपको बताना है, तो प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य की बात अगर हम करेंगे तो ये मिलते हैं आपके हेलियोडोरस है ना, याद रखिएगा हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। भूमि स्पर्श से मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है ना, ये संबंधित है आपकी गुप्त काल से, कौन से काल से, गुप्त काल से। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके जोधपुर में, जोधपुर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक है बताइए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, CO, और पूछा गया मनुष्य के लिए हानिकारक क्यों होता है बताइए, तो ये इसलिए हानिकारक होता है या हीमोग्लोबिन से है ना, या हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से है ना प्रतियोगिता करती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, 66 नंबर बताइए, हाइड्रोजन को अगर आप जलाएंगे तो क्या बनता है, पानी बनेगा ना H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, सिंपल सा है।
चलिए, पुस्तक द डूम्सडे है ना, पुस्तक द डूम्सडे मशीन के लेखक कौन है? 67 नंबर बताइए, द डूम्सडे मशीन के लेखक आप कौन है? ये आपका आंसर हो जाएगा डेनियल एल्सबर्ग। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी शतरंज की खिलाड़ी नहीं है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सी शतरंज की खिलाड़ी नहीं है, चार विकल्प हैं, शतरंज खिलाड़ी कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए भाग्यश्री हैं, अनुपमा गोखले हैं, किरण अग्रवाल भी हैं, संध्या अग्रवाल आपकी नहीं है, संध्या अग्रवाल आपकी नहीं है। फिर ये है कौन सी, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की है ना कि शतरंज की है। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका जाएगा। जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? 69 नंबर आपको बताना है, और ये जो आपका है ना ईसाई का है। देखिए जेरूसलम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 69 नंबर, ये जो ईसाई यहूदी मुस्लिमों का पवित्र स्थल तो है, लेकिन पारसियों का पूजा स्थल जो आपका सिने गाग होता है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी सब है, आंसर यहाँ पर आपको लगा देना है पारसी वाला, पारसी का दूसरा होता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं 70 नंबर बताइए, तो उपनिषद पुस्तकें जो है ना दर्शन पर हैं, यहाँ पर दर्शन पर क्या लगाएंगे? राइट आंसर। यहाँ से देखिए कुछ हमने स्टैटिक जीके के प्रश्न लिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए स्टैटिक जीके भी आपके आ जाते हैं कभी कभी, तो इनको भी यहाँ पर आप अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिया है, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रतीक चिन्ह, भारत के जो प्रतीक चिन्ह है टॉपिक है, उससे हमने प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपको यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? बताइए कौन सा ऐसा प्रतीक है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान ही नहीं दिया गया है, नहीं मिला है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा ऊंट को नहीं मिला है, बाकी सांड, घोड़ा, सिंह ये सब आपको मिला हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु इनमें से कौन सा है? देखिए देखिए यहाँ पर आपको देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपको क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, हाँ 2010 में आपके घोषित किया गया था, बिल्कुल सही बात है, हाथी को, है ना, हाथी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया था, यहाँ पर बताया जा रहा पिंगाली वैंकया, पिंगली वैंकया ने बनाया था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को बनाया था, 22 जुलाई 1947 को बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, यहाँ पर बताइए, हाँ ना, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? 4 नंबर बताइए, आसान प्रश्न है, और 4 नंबर का बता रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? पूरे विश्व भर में अगर कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर आपका कौन सा है? ग्रेगोरियन है, आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ, 5 नंबर का डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बोला गया भारत के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी आपका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है 7 नंबर, तो ये अनुपात याद रखिएगा 3:2 है, 7 नंबर का आपका डी नंबर सही होगा। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आनंद मठ से कई बार पूछा जा चुका है, 8 नंबर का आपका किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती हैं, आसान प्रश्न था। चलिए आप 10 नंबर बताइए, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? देखिए 10 नंबर में आपका जवाब अगर आपका आ रहा है कलकत्ता में तो गाया गया था, कब गाया गया था? 1911 में, 27 दिसंबर 1911 डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर है ना, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और जनगण मन का जो आपका ये क्या कहते हैं राष्ट्रीय गान है, ये आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में
बने धर्म चक्र का रंग क्या है? यहां पर आपको बताना है, तो ये रंग आपका कैसा है? गहरा नीला कलर का है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? अभी बताया था, 13 नंबर, ये गाया गया था आप कलकत्ता में, कहां पे? 1896 में। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता में गाया गया था, याद रखिएगा, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? है ना, यहाँ पर आपके दिखाई देते 3, एक नहीं दिखाई देता पीछे की तरफ, है ना, अगल बगल, मतलब ये 3 दिखाई देते हैं, 4 नहीं 3 दिखाई देते हैं। 14 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए बताइए, भारतीय प्रतीक के चिन्ह की आधारी पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ये आपका मुंडक निषद आपके यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित आपका है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है ना, और ये डेली क्लास आपकी 9:15 पर चलती है। चलिए वीडियो को देखिए, जो लोग बाद में आ रहे थे लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, जय हिंद।